नमस्कार। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि धनतेरस यानी धन त्रयोदशी जिसे कहते हैं, उस दिन आप ऐसा क्या उपाय करें कि पूरे साल धन की कमी आपको ना रहे। खास करके जो लोग धन की वजह से परेशान हैं, जिनके घर में पैसा नहीं आता है, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोग धनतेरस के दिन क्या सरल उपाय करें जिसमें ज़्यादा पैसा भी ना खर्च हो, धन भी खर्च ना हो और धन की वृद्धि होना शुरू हो जाए। तो ये धनतेरस के मौके पर आपको बताएंगे। ये जान लीजिए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जो है एक कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि वो औषधियों से भरा हुआ कलश था, अमृत से भरा हुआ कलश था, जिस जो सभी तरह के रोगों को दूर करने की क्षमता जिसके अंदर थी, ऐसी औषधियों से भरा हुआ कलश, ऐसा अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो उसे धन त्रयोदशी या धनतेरस के रूप में उनके बर्थडे को मनाया जाता है। इस दिन आप एक अचूक उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। तो वो उपाय बताएंगे, साथ ही सवाल भी लेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है। पंकज डोंगरा का सवाल लेंगे, इन्होंने भेजा है, और आपके भी सवाल ले सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और सवाल लिख करके छोड़ दीजिए, वहाँ से हम उठाएँगे और अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि धन त्रयोदशी के दिन आप क्या उपाय करें धनतेरस के दिन। देखिए, बहुत ही सरल उपाय आपको बता रहे हैं। ये उपाय बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, उनको लाभ हुआ है और आपको भी लाभ हो सकता है। करना क्या है आपको कि 5 गोमती चक्र ले लीजिए। धनतेरस के दिन ये उपाय करना है, 5 गोमती चक्र ले लीजिए और जहाँ बैठ करके आप पूजन करते हैं, जिस तरह से आप धनतेरस के दिन पूजन करते हैं वही करिए। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस ये उपाय करना है। आप पूजा स्थान में बैठ जाइए और जो 5 गोमती चक्र आप लेकर के आए हैं उसको एक साफ सुथरी कटोरी में रख लीजिए और चंदन लगाइए और रोली का तिलक लगाइए और विधि विधान से जैसे आप पूजन करते हैं उसी तरीके से पूजन करिए और भगवान गणेश और लक्ष्मी का ध्यान करिए। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करिए और इसके बाद लक्ष्मी जी का ध्यान करिए और निवेदन करिए कि हमारे घर में जो गरीबी है, जो परेशानी है, जो धन की कमी है वो दूर हो। और वो 5 गोमती चक्र में जो है ऐसे हाथ में चावल ले लीजिए, फिर निवेदन करिए कि हमारे घर में जो गरीबी है, जो परेशानी है वो दूर हो। और फिर इसके बाद हे भगवान गणेश, हम पर कृपा करिए, सारे विघ्न बाधाओं को दूर करिए और हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन की कमी ना रहे, जो धन को लेकर के परेशानी है वो सब दूर हो, हमारे घर में पूरे साल धन आता रहे, ऐसी कृपा करो माँ। इस तरीके से अपने मन के भाव माँ लक्ष्मी के सामने प्रकट करिए और वो चावल उसमें छिटक दीजिए जो आप 5 गोमती चक्र एक कटोरी में रखे हुए हैं। इसके बाद क्या करना है कि वो गोमती चक्र जो आपने 5 कटोरी में रखे हुए हैं उनको एक लाल कपड़े में बांध लीजिए और अभी अभी ये रखे रहना है। अभी छोटी दिवाली के दिन भी पूजन करना है और बड़ी दिवाली के दिन भी पूजन करना है, उसी स्थान में रखे रहना है। बड़ी दिवाली के बाद जब पूजा हो जाए तब फिर इन 5 गोमती चक्रों को आपको एक लाल कपड़े में बांध करके और धन स्थान में रख देना है। लेकिन ये पूजा धनतेरस से स्टार्ट करनी है, धनतेरस के दिन करनी बहुत ज़रूरी है और फिर उसी मंदिर में उसी स्थान पर रखे रहना है। और बड़ी दिवाली के बाद फिर आप अगले दिन भी पूजन करेंगे, छोटी दिवाली को, बड़ी दिवाली को भी पूजन करेंगे और इसके बाद उसको उठा करके अपने धन स्थान में रख देंगे। इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ धनतेरस के दिन पूजा करके नहीं रखना है। आइए अब सवाल ले लेते हैं पंकज का। पंकज डोंगरा का सवाल है, इन्होंने सवाल पूछा है। आप भी चाहें तो अपने सवाल पूछ सकते हैं, बहुत आसान है। अपनी डिटेल जो है आप हमें भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ से हम आपकी डिटेल उठाएँगे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पंकज डोंगरा ने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले इनकी कुंडली बनाते हैं। 20 मार्च 1978 जन्म का समय है सुबह 8:50 और जन्म स्थान इनका कांगड़ा का है। पंकज डोंगरा का सवाल ये है कि फ्यूचर में कौन सा बिज़नेस करें,
क्या मैं सीमेंट से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। पंकज जी, जो आपने डिटेल बजाई भेजी है 20 मार्च 1978 सुबह 8:50 कांगड़ा, इस आधार पर आपकी कुंडली बन करके तैयार है और आपकी मेष लग्न की कुंडली बन रही है और कर्क राशि है। आपने पूछा कि आप सीमेंट का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हैं सीमेंट का काम। और इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो जनवरी 2028 तक चलेगी और बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, तो बृहस्पति आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और आप चाहें तो बिल्कुल ये काम कर सकते हैं जो आपने पूछा। और उपाय एक कर लीजिए कि आप जब सीमेंट का काम करें तो मंगल का रत्न जो होता है मूंगा, वो अवश्य धारण कर लीजिए, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 0 डिग्री का है, चौथे घर में बैठा है, तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तो बिजनेस आपका अच्छे से चलने लगेगा, आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो एक मूंगा कम से कम 7.25 रत्ती का मंगलवार के दिन धारण कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल लिखिए और सवाल लिख करके छोड़ दीजिए, वहाँ से हम उठाएंगे और आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात और बताएंगे एक आपको महा उपाय। नमस्कार।